हेलो फ्रेंड्स, आज वाले में हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये एज ए कंसेप्ट क्या है। और साथ ही साथ एक चीज बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 19 में एक चीज मिस हो गई थी, श्रेया सिंघल का केस है जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 के जो सेक्शन 66A है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि उसमें एक तो पहली बात ये है कि इस एक्ट के अंदर जो ये पोर्शन था, इस पार्ट के अंदर कुछ वर्ड्स थे जैसे ऑफेंसिव, मिनिसिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेसी, ये सब कुछ वर्ड थे जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब पहले बहुत बार ये टाइम दिया था गवर्नमेंट ऑफ द डे को कि जो है गवर्नमेंट इस पर जो है इनको क्लियरली डिफाइन करे, क्योंकि जो है इसके कारण क्या हो रहा था कि ये तो एक तो वेगली वर्ड्स थे जो जिनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया था, और उससे क्या कि आर्बिट्रेरीनेस बढ़ रही थी। आर्बिट्रेरीनेस बढ़ने का मतलब जैसे किसी ने किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कहीं सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया तो उसको लेके अरेस्ट हो गया, जैसे कार्टूनिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया, उसने कोई कार्टून बना दिया तो टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टाइम देने के बाद जब कुछ भी नहीं चेंज किया गया और इस पर आर्बिट्रेरीनेस बढ़ने लग गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये आर्टिकल 19 का ग्रॉस वायलेशन है और ये जो है किसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है सेक्शन 66A को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब हम इसमें जो है श्रेया सिंघल केस को लेकर पहले भी यूपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और श्रेया सिंघल केस के रिलेटेड, तो इसलिए ये था। और ये राइट टू मतलब ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर रिसेंट डेवलपमेंट पर इसलिए डिस्कस किया था। अब हम लोग आज की केस में देखेंगे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ब्रिटेन ब्रिटिश कंसेप्ट है और ये जो है ये यूएस कंसेप्ट है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर जजमेंट में माना था केवल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लेकिन उसके बाद मेनका गांधी के केस में आकर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये दोनों चीजें आर्टिकल 21 के अंदर आती है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर्टिकल 21 का पार्ट है। और तो उसमें हम इसमें देखते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में एक तो ब्रिटिश कंसेप्ट है, उसके बाद क्या है कि जब इसको इस मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो जनरल फीचर है या किस तरीके से जुडिशरी जज करती है, तो वो ये देखती है कि अगर किसी की लाइफ या लिबर्टी ली गई है तो उसके लिए कोई कानून है या नहीं है। अगर कोई कानून है तो लेजिस्लेचर को पास जो पावर थी या उस कानून को बनाने की, मतलब लेजिस्लेचर के पास वो अथॉरिटी थी कानून को बनाने की, और उसके बाद जो लॉ इनेक्ट करते टाइम क्या लेजिस्लेचर ने जो फॉलो मतलब प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है कि जिस तरीके से कानून बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो किया है या नहीं, ये तीन चीजें देखती है। अगर ये तीन चीजें फॉलो हो रही हैं तो जो है जुडिशरी उसके बाद कानून को इस तरीके से नहीं देखेगी कि वो जो है आर्बिट्रेरी है, ऑप्रेसिव है, विम्सिकल है, फैंसीफुल है, और जो कोर्ट इसको जो है इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेगा। तो आप इसमें से इस चीज पर देखते हैं कि जो है हम मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुलिस स्टेट को बढ़ावा देता है, तो उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए हम लोग जैसे कहते हैं, जैसे इंडिया और ब्रिटेन के कंसेप्ट पे कहा भी जाता है कि ब्रिटेन की सोसाइटी बहुत ज्यादा मेच्योर है, तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है उनके यहां है, तो उसमें क्या है कि उसमें क्या है कि ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वहां की पब्लिक कैसे देख रही है इन चीजों को और जो है लेजिस्लेचर उन चीजों को कैसे देख रहे हैं, क्या लेजिस्लेचर्स में इतनी हिम्मत है कि किसी की राइट्स एंड लिबर्टीज को वो लोग टेक अवे या ब्रिज कर दें। तो उसमें और बाकी का ये है कि उसमें इसको चेक करते टाइम वहां की जुडिशरी मतलब इस प्रोसेस के अंदर जुडिशरी इस हद तक भी नहीं जाती है कि वो कानून को देखे कि कानून फेयर है, रीजनेबल है, ऐसा कुछ नहीं देखती है, केवल ये तीन प्रोसेस है, इन तीन प्रोसेस को देखती है, अगर ये तीनों प्रोसेस फुलफिल हो रहे हैं तो कानून को वैलिड डिक्लेयर कर देती है। तो इसको हम लोग ऊपर से मतलब ये देखेंगे, तो इसमें ये पता लगता है कि इसके माध्यम से जो जुडिशरी है वो बेसिकली आपका प्रोटेक्शन जो है एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस
उससे बचाती है लेकिन लेजिस्लेचर से नहीं बचाती है, क्योंकि कानून तो एग्जीक्यूटिव नहीं बनाती है, लेजिस्लेटिव पास करती है, तो लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस से नहीं बचाती है, बस एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस से बचाती है। तो ये चीज है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिमिटेड स्कोप देता है लोगों की लिबर्टी बचाने के लिए एक्शन ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस को जो है कहीं से भी रोकता नहीं है, वो केवल ये तीन प्रोसेसेस को देखता है। हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखेंगे, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस कंसेप्ट है। यहां पर क्या होता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर जो है ये तीन प्रोसेस तो देखते ही देखता है, ये तीन प्रोसेस देखेगा, लेकिन तीन प्रोसेस के बाद वो ये देखता है ब्रॉडर सेंस ऑफ गुडनेस और इनहेरेंस ऑफ द गुडनेस ऑफ द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ जो है कितना सक्षम है, कितना मतलब ये साथ में ये भी देखेगा कि जो है ये आर्बिट्रेरी तो नहीं है, ऑप्रेसिव तो नहीं है, विम्सिकल और फेंसिबल तो नहीं है, यानी कि ये थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया जहां पर जो है हमको लिमिटेड हमको मतलब राइट टू लिबर्टी की जो टेक अवे है उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो यहां पर केवल स्टेट एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस से मिल रही थी, लेजिस्लेटिव से नहीं, लेकिन यहां पर दोनों से मिल रही है। तो ये दोनों प्रोसेस है, बाकी का जो है हमारे यहां दोनों प्रोसेस ही सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं, तो ये वाले दोनों प्रोसेस जो है हो गए। अब इसके बाद हम लोग जो है अभी देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल 21A के बारे में देखेंगे और उसके बाद आर्टिकल 22 देखेंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21A के बारे में। 21A के बारे में मतलब ये एक अमेंडमेंट था जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में पास किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की 6 से 14 साल के बच्चों को। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था तो इसमें जो है फंडामेंटल राइट में 21A आया था, फिर फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर जो है आर्टिकल 51A में के करके ड्यूटी थी, जहां ये बड़ा था कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चे जो 6 से 14 साल के बीच में आते हैं उनको स्कूल में दाखिला कराए। अब ये चीज शुरू हुई थी, अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये चीज शुरू हुई थी उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। यहां पर आकर सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को देखते हुए, जहां से 0 से 14 साल की जिम्मेदारी थी आर्टिकल 45 के अंदर, वहां से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है और ये फंडामेंटल राइट है, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 21 में डाला था। लेकिन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको जो है आर्टिकल 21A में डाल दिया गया, एक नया आर्टिकल बनाकर। बाकी इसमें यह था कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी लेकिन स्टेट की कंडीशन होंगी जो वो प्रोवाइडेड बाय लॉ होंगी, वो किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसको लेकर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास किया गया था, जिसमें कुछ गाइडलाइंस थी। उसमें से कुछ चुनिंदा गाइडलाइंस इस तरीके से हैं, जैसे किसी भी बच्चे के दाखिले को, मतलब पहली गाइडलाइन तो यह है कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच में है उसको जो है एजुकेशन मिलना चाहिए अपने नजदीकी एरिया के अंदर, और उसका दाखिला उसकी एज को देखते हुए, अप्रोप्रिएट एज को देखते हुए अप्रोप्रिएट क्लास में होना चाहिए। प्लस उसके साथ ये कहा गया था कि किसी भी बच्चे का दाखिला केवल इस वजह से ना रुके कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इसके साथ एक चीज और मतलब गाइडलाइंस में की गई थी एक तो नो वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, बाकी का यह था कि 25% कोटा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको जो है पुअर बच्चों को जो है देना पड़ेगा जिनका एक्सपेंस जो है वो स्टेट बियर करेगा। तो ये कुछ 4-5 गाइडलाइंस थी और एनरोलमेंट वगैरह की बात भी थी कि तो उससे हम लोग देखते हैं कि एनरोलमेंट वगैरह बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो है ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ा है, ड्रॉप आउट रेट को कंटेन करने की बात चल रही है, क्योंकि हमको देखना होगा कि एक तो बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में अराउंड मिलियंस ऑफ बच्चे हैं जो है एम्प्लॉयड है। अब एम्प्लॉयड है तो उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, अब ये एम्प्लॉयड है अगर इनको स्कूल भेजा जाएगा तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव तो देना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 14 साल की अगर 8 साल के लिए बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको जो है फाइनेंशियली तो ब्रेक हो गई होगा, तो इसके लिए कुछ इंसेंटिवाइज स्टेट को करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि जब ये वाला राइट आया था तो इसके तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आया था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, जो इस आरटीई के पूरी डेवलपमेंट को और पूरी इंप्लीमेंटेशन को देख रहा था। तो इसको देखते हुए
सरकार ने तय किया कि मिड डे मील स्कीम चलाई, तो मिड डे मील स्कीम के माध्यम से भी हालांकि ड्रॉप आउट रेट कम हुए हैं और जो है बच्चे ज्यादा एनरोल हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखा गया कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि स्टेट जो है स्कूल एनरोलमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, अपेक्षा कि वो नॉलेज लें, बस आप एनरोल करते जाइए, तो एनरोलमेंट हमारा रेट हाई होता जा रहा है। लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन के मामले में जैसे प्रथम का सर्वे आया, तो प्रथम के सर्वे में यह आया कि क्लास 5 के बच्चे क्लास 1 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद यह आया कि टीचर रेशो का बहुत प्रॉब्लम है, जैसे एनसीपीसीआर ने बोला कि हेल्दी रेशो जो है 1:25 होना चाहिए, यानी कि टीचर अगर एक है तो उस पर 25 बच्चों का भार होना चाहिए, तो एक 1:25 का रेशो होना चाहिए। लेकिन इसमें भी देखा गया तो लैक्स ऑफ टीचर्स हैव टू बी रिक्रूटेड, जो काफी सारे स्टेट्स के लिए इम्पॉसिबल हो रहा है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। प्लस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने के साथ साथ पुंछी कमीशन के माध्यम से जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पर बनाया गया था, तो उसमें कुछ स्टेट्स ने ये बोला है कि क्योंकि ये स्टेट का सेंट्रल लेजिस्लेशन है तो स्टेट को 100% फाइनेंस करना चाहिए। हालांकि अभी शायद फाइनेंस जो है 60:40 का है, 60% स्टेट सेंटर फाइनेंस करता है, 40% स्टेट फाइनेंस करता है, तो स्टेट चाहते हैं कि वो पूरा 100% होना चाहिए। तो ये सारी चीजें राइट टू एजुकेशन के अंदर है। उसके अलावा क्वालिटी पे भी असर पड़ रहा है, फिर जो लाख्स ऑफ टीचर्स को रिक्रूट करना है वो भी पॉसिबल नहीं है गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बच्चे एम्प्लॉयड हैं, उनको अनएम्प्लॉयड करना है, हालांकि धीरे धीरे बच्चे वहां से निकाल कर जो है स्कूलों में डाले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि बच्चे एक साल डालने के बाद वापस से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उस चीज को भी कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें राइट टू एजुकेशन के अंदर है, जो कुछ इंपेडिमेंट्स भी है। फिर जैसे मिड डे मील स्कीम में भी ये देखा गया कि बच्चे जो है केवल मिड डे मील के टाइम पर ही स्कूलों में आते हैं, कुछ टीचर्स जो है वो नॉन ऑफिशियल ड्यूटीज में फंसे रहते हैं, जैसे कभी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज पे जा रहे हैं, तो कभी सेंसस करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि इन बच्चों की एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। फिर क्या है कि ऑलरेडी टीचर्स कम है, अब उसमें से भी कुछ चले जाते हैं, तो हम जैसा कई बार देखते भी हैं कि कुछ कुछ स्कूलों में एक टीचर है वो अटेंडेंस रजिस्टर से लेकर और क्लरिकल काम से लेकर और प्रिंसिपल से लेकर और टीचिंग तक के सारे काम कर रहा है। कई जगह हम देखते हैं कि लोग क्वालिफाइड नहीं है वो पढ़ा रहे हैं, जैसे मीडिया के कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस भी दिखाते हैं कि जो है टीचर्स जो है अपडेटेड नहीं है, टीचर्स को पता नहीं है वो कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संडे मंडे की स्पेलिंग वगैरह नहीं आती। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर स्टेट काम भी कर रहा है, बराबर एड्रेस कंसर्न भी कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा टास्क है। और अब क्या है कि ये फंडामेंटल राइट है, तो अगर फंडामेंटल राइट है तो मतलब ये है कि अगर इसका वायलेशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है आर्टिकल 32 में, तो स्टेट को वो भी चीजें देखनी है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आर्टिकल 21A है। और जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन है तो इसको लेकर यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि स्टेट 6 से 14 साल के बच्चों को कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एलिमेंट्री। तो स्टेट की जिम्मेदारी है आरटीई एक्ट में मात्र एलिमेंट्री एजुकेशन देने की 6 से 14 साल के बीच के बच्चों की। उसमें स्टेट ने डिफाइन नहीं किया है कि एलिमेंट्री क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये सब कुछ डिफाइन नहीं किया, बस एलिमेंट्री एजुकेशन किया है। तो इसका आंसर केवल एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। अब जो आप बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 22 के बारे में, आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये वाला आर्टिकल, इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत वास्ट डिबेट हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि भाई प्रिजनर्स को या एक्यूज को भी राइट्स, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि इनको भी मतलब क्या, हर कोई इंडिविजुअल को राइट्स मिलने चाहिए ताकि प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेज रहे और आर्बिट्रेरी रहे और पुलिस स्टोर बनने की संभावना कम से कम रहे। हालांकि ये राइट बहुत एंटी डेमोक्रेटिक्स हैं, ऐसे भी कहा गया है, जैसे राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जहां पर राम जेठमलानी ने कहा था कि ये नल एंड वॉइड होना चाहिए क्योंकि ये आर्टिकल्स, ये जो स्ट्राइक डाउन होने चाहिए क्योंकि ये जो एंटी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी माना कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि भलाई क्रिमिनल्स हो लेकिन उनको भी कुछ राइट्स होते हैं और उन राइट्स को पूरा जो है सम्मान होना चाहिए और उनको राइट्स मिलने चाहिए। अब डिटेंशन और अरेस्ट की केस में बेसिकली दो है, एक है प्यूनिटिव। हाँ, तो ये डिटेंशन दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसा प्यूनिटिव डिटेंशन है, प्यूनिटिव डिटेंशन में कुछ गाइडलाइंस है,
या मतलब ये गाइडलाइन से जो बताया गया है, जैसे कि ये है कि अगर किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट होने के बाद उस आदमी को रीजन दिया जाएगा कि वो क्यों अरेस्ट किया गया है, और उसके साथ साथ उसको रीजन देने के साथ साथ तो प्यूनिटिव में क्या होता है कि इसमें जैसे कुछ गाइडलाइंस है कि प्यूनिटिव में अगर किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जाएगा तो वो अरेस्ट होने के बाद में उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, वो जिसको चाहता है, गार्जियंस वगैरह को बताया जाना चाहिए कि वो अरेस्ट क्यों हुआ है। अरेस्ट होने के बाद उसको ये भी उसकी जो है मजिस्ट्रेट के अंदर जो नियरेस्ट कोर्ट है उसके मजिस्ट्रेट पे, उस मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर ट्रैवलिंग टाइम, हॉलीडेज टाइम को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको जो है प्रेजेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अरेस्ट किया है उनकी डायरी में ऑफिशियल टाइम मेंशन होना चाहिए कि कितने बजे और कब किस क्राइम के नाम पर अरेस्ट किए गए। यानी कि इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं कि यहां पर यह है कि यह प्यूनिटिव डिटेंशन तब होगा जब आप क्राइम कर चुके हैं, ये तब है जब आप क्राइम कर चुके हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो है क्रिमिनल एक्यूज के लिए ये सब चीजें हैं। उसके बाद जो है वो जब जेल में है तो उसको लॉयर से मिलने की परमिशन होनी चाहिए, और वो जिस लॉयर से चाहता है उस लॉयर से उसको हर्ड होना चाहिए कोर्ट में। जैसा कि मतलब हम लोगों ने अजमल कसाब के केस में भी देखा था कि अजमल कसाब ने अपील लिखी थी कि वो जो है चाहते हैं कि वो चाहता है कि जो है रामजेठ बलानी उसको डिफेंड करें। तो इस तरीके से कि राइट टू बी हर्ड बाय अवर ओन लॉयर, तो ये सारी कंडीशंस प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर आती हैं। अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि ये एक कॉलोनियल लेगेसी है, ये ब्रिटिश टाइम्स में भी था। इसमें जैसे बोलो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जो है दबाने के लिए लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लेते थे। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली ये है कि यहां पर जैसे प्यूनिटिव में तो क्राइम हुआ था लेकिन यहां पर क्राइम नहीं होता है, मात्र एक सस्पिशियस है कि ये बंदा अगर या ये पर्टिकुलर पर्सन अगर जो है बाहर रहेगा तो ये क्राइम कर देगा। अब वो क्राइम कैसे हो सकते हैं? जैसे सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज, कम्युनल हारमोनी, इन सबको लेके प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो है तो इन सबको लेकर उसको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इससे अब थोड़ा सा देखने में लगता है कि यहां पर थोड़ा सा पुलिस को लेकर पावर ज्यादा है और ये थोड़ा सा पुलिस स्टेट की तरफ है। तो इसको लेकर रामजेठ बलानी केस में मतलब केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कहीं ना कहीं स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट को पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करता है, पुलिस को अनलिमिटेड पावर्स देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन करने के लिए। और हम देखते हैं वैसे भी कि हमारी डेमोक्रेसी नेसेंट है, बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, नक्सल मूवमेंट्स अक्रॉस द इंडिया चलते रहते हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम होती है तो उससे कॉमन सिटीजन को भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उसमें बेहतर यह है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में चेक्स एंड बैलेंसेस लगाकर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए टाइम बीइंग के लिए। वो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो है उनको पता लगना चाहिए वो किस बात पर अरेस्ट हुए। अगर उनको बताया नहीं जाता है तो जब भी कोई भी स्टेट उनके खिलाफ एक्शन लेगा तो वो आया जुडिशरी लेगा, उनको हार्म नहीं किया जा सकता, उनको राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी से उनके राइट्स, वाले राइट्स टेक अवे नहीं किए जा सकते। बाकी बात यह है कि प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर जो है प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर अगर आदमी रहता है कस्टडी में तो कस्टडी में केवल उतने ही टाइम के रहेगा जितने टाइम के लिए जो है मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है। अगर उसके बाद अब जैसे प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव में लिमिटेशन है तो 2 से 3 महीने की कि मैक्सिमम आप जो है 2 से 3 महीने रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर रखेंगे तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और केस को दिखाना पड़ेगा कि क्या जरूरत है इस आदमी को और ज्यादा अंदर रखने के लिए। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 22 के अंदर है। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है, नहीं तो आज के टाइम में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये वाले राइट्स नहीं है, ना यूएसए फॉलो करता है ना ब्रिटेन फॉलो करता है। तो यही चीज है और यही आर्टिकल 22 में है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आर्टिकल 23-24 के बारे में अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन असिक्रा के बारे में। तो आपको जो भी इसमें आर्टिकल इस लेक्चर में अगर कोई इशू हो तो या क्वेरी हो तो आप उसको हमें कमेंट में बता सकते हैं या मेल पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए।